हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे आप सबके साथ एकदम यूनिक तरीके का ये समोसा बनाने की रेसिपी। कलरफुल ये हमारा छोटा छोटा समोसा बनेगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे डेली यूज़ होने वाला ये गेहूं का आटा हमने लिया है। हमने मैदे का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ हमने 1.5 कप आटा लिया है। इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। जिस तरह से हम मोयन देते हैं उसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका हम आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट हमें नहीं आटा गूंदना है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें आटा को गूंदना है। और इसके बाद हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे हम कलरफुल बना रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे हमने कलर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ऑरेंज कलर के लिए गाजर का जूस ले लें और ग्रीन के लिए आप पालक या धनिया की पत्ती का जूस ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा इसमें कलर डाला। अब ऑरेंज कलर डाल रहे हैं और इसका आटा हम ऑरेंज कलर का तैयार कर ले रहे हैं गूंद करके। तो इसे हमने तिरंगा बनाया। तो ये वीडियो हमने बनाए थे इंडिपेंडेंस के दिन, लेकिन किसी वजह से हम जो है अपलोड नहीं कर पाए, तो आज हम वीडियो डाल रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा तिरंगा कलर तैयार हो गया है। और यहाँ अब हम लेंगे ये उबला हुआ आलू है। हमने इसे अच्छे से जो है कद्दूकस कर लेना है। इसमें जो है ये उसके छोटे छोटे आलू के टुकड़े ना रहें, बिल्कुल बहुत ही बारीक जो है आलू को हमें मैश कर लेना है। आप कद्दूकस कर लें या अच्छे से मैश कर लें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची का पाउडर और जीरे का पाउडर डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे अच्छे से कलर और फ्लेवर के लिए। फिर इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। और इसके आप इसमें जो है कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ आप डाल दीजिएगा, हमने बाद में डाला है, दिखाना भूल गया आप लोग को। इसमें आप जो है डालिए कॉर्नफ्लोर। जो है डालने से क्या होगा कि जो है जब हम आलू को समोसे के अंदर जब भरेंगे तो जो है स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आएगी और जो आलू में जो मॉइस्चर रहता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए आप जो है आरा रोट या फिर थोड़ा सा जो है चावल का आटा डाल सकते हैं, अगर आपके पास आरा रोट नहीं है तो। और इसके बाद हम जो है ये इस तरह से ग्रीन कलर की एक रोटी बेल लेंगे और उसके बाद हम ऑरेंज वाली भी एक रोटी यहाँ पर बेल ले रहे हैं। जब हमारी रोटी बेल करके तैयार हो जाएगी तो हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था इसके ऊपर हम इसकी एक पतली सी लेयर पूरे रोटी पर अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें जो है पतला सा इसे लगा देना है। तो ये अच्छे से ये लग चुका है और इसके ऊपर अब हम ग्रीन वाली रोटी जो है इसके ऊपर हम रख देंगे और अच्छे से इसके ऊपर रख देंगे। पूरे चारों तरफ से हम इसके किनारों को अच्छे से मिला देंगे और किनारे से अच्छे से हम दबा देंगे ताकि ये खुले ना। और इसे एक बार हम उठा लेंगे तो ऊपर नीचे करते हुए इसे अच्छे से हम उठा लेंगे और दोबारा से पलट देंगे और हल्का सा इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे और एक बार हल्के हाथों से इसे बेल देंगे ताकि दोनों रोटियां आपस में अच्छे से चिपक जाएं और वो फ्राई करते समय खुले ना। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसे जो है स्क्वायर शेप में काट लेंगे और इसके किनारों को भी आप छोटे छोटे टुकड़े में करके फ्राई कर लें। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसे स्क्वायर शेप में अब काट लिया है और इसके भी अब हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये जो है नाश्ता हमारा जो है चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट गए हैं इसके और आगे की तरफ हम पकड़ के जो है इस तरह से चिपका देंगे और इसके पीछे साइड में। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावर शेप का ये हमारा समोसा यूनिक सा बन करके तैयार हो गया है। आप इसे जो है चाय के साथ इंजॉय कीजिए। आजकल रिमझिम बारिश में जो है चाय के साथ ये बहुत ही मज़ा आता है खाने में। आप इसे बना करके तल कर फ्राई करके रख लीजिए तो एयर टाइट कंटेनर में आप रख देंगे तो ये हफ्तों ख़राब नहीं होगा, इसी तरह से अच्छा कुरकुरा बना रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कलरफुल फ्लावर समोसा बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अच्छे से जब तेल गर्म हमारा हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे इन सबको।
और डालने के बाद हमें पहले फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, उसके बाद हम मीडियम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसी तरह से बना रहता है और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं आती है। और उलट पुलट कर हमें अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। और तो ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका और कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ हमारा जो है सारा स्नैक्स बन करके तैयार हो चुका है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग चाय के साथ बनाइए। आप लोग बिस्किट खाते हैं और नमक पारे मठरी वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से आप गेहूं के आटे से हेल्दी स्नैक्स बनाइए। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और मेहमान आते हैं उन्हें भी खिलाइए, सबको ये बेहद पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।